हेलो एवरी वन माई सेल्फ बबली राजपूत वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल सो वी वर स्टडिंग वाई डू वी फॉल इल चैप्टर एंड टूडे विल कम्प्लीट लेक्चर थ्री और इस लेक्चर में हम सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिजीज होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं एंड एक बार हमको उनके लक्षण पता चल गए तो फिर हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं उस डिजीज़ को सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ इसमें सिम्टम्स का मतलब क्या है सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण जैसे आपको कभी कोई डिजीज़ होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको उस डिजीज़ के लक्षण पूछता है ना आप कहते हो मुझे हाई फीवर है या आ, मुझे बहुत खांसी हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है ठीक है या बॉडी में पेन हो रहा है तो ये सारी चीज़ें क्या है लक्षण हो गए डिजीज़ के और इन लक्षणों के आधार पर क्या करता है डॉक्टर हमको कुछ मेडिसिन है वो प्रिस्क्राइब करता है हालांकि कुछ डिजीज़ को हम ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ही नहीं पता कर सकते हैं जैसे कि मलेरिया हुआ है तो उससे हाई फीवर हो सकता है ठीक है मलेरिया हुआ आपको फीवर वगैरह आ रहा है बट ये नॉर्मल फ़ीवर भी हो सकता है और मलेरिया वाला फ़ीवर भी हो सकता है तो उस, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं ब्लड टेस्टिंग करते हैं ब्लड टेस्ट में आपका अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो आप आपको क्या है आपको मलेरिया हो गया वैसे ही आपके स्टमक में पेन हो रहा है तो एक तो नॉर्मल पेन होता है गैस वैस बन गई है ठीक है या क्या हो सकता है आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती है स्टोन वगैरह है वो हो सकता है वहाँ पे लिवर वाला जो रीजन होता है वहाँ पे बहुत दर्द होता है तो ये टेस्टिंग के हिसाब से क्या करते हैं हम आ, या डॉक्टर्स क्या करते हैं दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं सो so, सिम्टम्स क्या होते हैं लक्षण होते हैं वो हम देख भी बता सकते हैं ठीक है नॉर्मल डिजीज़ के लिए तो हम देख के बता सकते हैं अदरवाइज इनके लिए काफ़ी कुछ टेस्टिंग भी हमारे पास अवेलेबल है साइंस काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व कर गई है एंड मेनली हर टाइप के डिजीज़ के बारे में हमें नॉलेज है राइट सो आई होप आपको सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ का मतलब समझ में आ गया है कि सिम्टम्स का मतलब क्या है डिजीज़ के लक्षण जब भी कोई डिजीज़ होती है ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि जब भी कोई डिजीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी में फैल जाती है तब हमें उसके सिम्टम्स दिखते हैं कोई भी डिज़ीज़ अगर अपने इनिशियल स्टेज पे है कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में गया है एंड उसने क्या किया डिज़ीज़ को कॉज किया है तो इनिशियल लेवल पर कभी भी आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे जब वो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी होगी तब जाके आपको सिम्टम्स दिखेंगे ठीक है तो इसीलिए कभी कभी क्योर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इनिशियल लेवल पे अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो गो टू द डॉक्टर ताकि आपकी जो डिजीज़ है वो जल्द से जल्द क्योर हो सके राइट सो सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ में क्या होता है पॉइंट ऑफ एंट्री एंड प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब इनसाइड द बॉडी जब मैंने स्टार्ट किया था ये चैप्टर तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं इसमें बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोआज ठीक है ये सब आ जाते हैं तो पैथोजें्स क्या होते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स ठीक है माइक्रोब्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं कुछ अच्छे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं एंड जैसे कि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइट बट वो क्या है वो गुड बैक्टीरिया है तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं दोज़ आर बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोआ फंजाए एटसेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ एंट्री एंड प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोव इन साइड द बॉडी राइट तो इससे क्या समझ में आता है देखो फॉर एग्जाम्पल आपको uh, कफ हुआ है ठीक है कफ या कोल्ड हुआ है तो आपको पता है जो माइक्रोब है वो कहाँ से एंटर करेंगे आपके नॉस्ट्रिल से एंटर करेंगे जो नोज होती है इसको हम साइंस में नॉस्ट्रिल बोलते हैं ठीक है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉस्ट्रिल टर्मिनोलॉजी याद रखना जरूरी है नॉस्ट्रिल्स राइट right? सो so, जो नोज वाला रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम नोस्टिल बोलते हैं तो अगर आपको कफ या कोल्ड हो रहा है तो आपको पता जो माइक्रोब्स हैं वो कहाँ से एंटर करेंगे नोज से ठीक है और वो कौन से रीजन को अफेक्ट करने वाले हैं वो लंग वाले रीजन आपके जो लंग्स होते हैं ठीक है वो वाला रीजन क्या करेंगे अफेक्ट करेंगे ठीक है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे जाके क्या करेंगे वो अटैक करेंगे और इस वाले रीजन को अफेक्ट करेंगे सो पॉइंट ऑफ एंट्री एंड प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोव इन्साइड द बॉडी हमें समहाउ नोन होता है राइट right? अगर नॉस्ट्रिल से कोई चीज़ एंटर कर रही है तो वो लंग्स में ही जाएगी राइट right. वैसे अगर कोई माइक्रोब ऐसा है जो माउथ से माउथ से एंटर कर रहा माउथ से कैसे एंटर करेगा आप माइक्रोब को खाओगे तो नहीं यस yes, आप नहीं खाओगे बट फूड के थ्रू एंटर कर सकता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आपने कोई बाहर का खाना खाया है ठीक है या आपने काफी दिन रखा हुआ खाना खाया है तो वहां पर भी माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं राइट right. गर्म खाने में क्यों नहीं होते क्योंकि गर्म खाने में माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर सकते ठीक है उनको वो टेंपरेचर सुटेबल नहीं होता है लेकिन जब हम किसी खाने को कोल्ड में रखते हैं कोल्ड स्टोरेज करते हैं हालांकि टेम्परेचर बहुत कम है ठीक है कोल्ड स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा कम है, में जा रहा है। वहां भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप में रखते हो तो, okay, so तो माउथ से अगर कोई माइक्रोव uh, है वो एंटर कर रहा है पैथोजन एंटर कर रहा है मेनली बैक्टीरियाज ही होते हैं तो आपके मेनलीसोफेगस वाला रीजन है हो गया, या आप स्टमक भी बोल सकते हो मेनली स्टमक ठीक है वहां पे जा जाके क्या करेगा वो स्टे कर जाएगा तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है माउथ हो गया हमारा एंड कौन सा रीजन अफेक्ट कर रहा है ईसोफेगस मतलब फूड पाइप होता है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं एंड स्टमक स्टमक जैसे आप कभी खाना खाते हो बाहर का तो आपको स्टमक पेन होने लगता है राइट right? तो मेनली क्या होता है मैं पॉइंट ऑफ हम बोल सकते हैं एंट्री ऑफ माइक्रो ठीक है इस केस में नॉस्ट्रिल था इस केस में माउथ है एंड किस रीजन पे वो अफेक्ट करेगा वो हमें नोन होता है राइट तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि कहाँ किस जगह से एंट्री मारी है माइक्रोब ने और किस जगह को अफेक्ट किया है ये हमें पता चल गया राइट अब आता है सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज़ ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं सिम्टम्स और साइंस अलग चीज़ें होती हैं जैसे एग्जाम्पल देखे मैं आपको समझाती हूँ सो फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा कि मुझे फीवर आया है ठीक है अब वो फीवर कुछ भी हो सकता है मतलब नॉर्मल फ़ीवर भी हो सकता है आपको डेंगू वाला फीवर भी हो सकता है मलेरिया वाला भी हो सकता है या वायरल फ़ीवर भी हो सकता है तो सिर्फ इतना बोल देने से कि आपको फीवर है हम नहीं पता लगा सकते कि वो कौन से टाइप का फीवर है तो ये जो डिफरेंट टाइप के मैंने फीवर्स बताए ये क्या हो गए सिम्टम्स का रिजैम्बल हो गया मतलब आपने बोला आपने क्या बोला मुझे फीवर है ये लक्षण हो गया ना एक आपको क्या है आपको फीवर है तो हम बोल सकते हैं कि सिम्टम्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज आपने एक सिम्टम बोला उसमें कई सारे डिजीज हैं वो निकल करके आए फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आपके पेट में दर्द हो रहा है ठीक है अब क्या है पेट में दर्द एक नॉर्मल वाला पेट में दर्द हो, हो सकता है ठीक है आपको गैस वगैरह हो गई है या आपको स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है स्टमक या लिवर वाले रीजन में तो सिर्फ इतना बता देने से कि आपको इस पार्ट में दर्द हो रहा है आप नहीं बता सकते कि कौन से टाइप का डिज़ीज़ प्रेजेंट है तो सिम्टम्स क्या होते हैं लक्षण क्या होते हैं दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ बहुत टाइप के डिजीज़ का कॉम्बिनेशन होते हैं एंड सिम्टम्स के बेसिस पे हम एक टाइप का डिज़ीज़ है वो नहीं पता कर सकते कि भाई पर्सन को यही डिजीज़ है तो उसके लिए कौन आता है उसके लिए साइन आ जाता है सिम्टम्स मान लो छोटा भाई है साइन क्या है बड़ा भाई अब साइन ने कहा कि सिम्टम की मैं हेल्प करूंगा सो so, किसी पर्सन को अगर फीवर है तो वो उसके सिम्टम्स हो गए अब कौन सा फीवर है वो क्या होगा वो साइन के थ्रू हमें पता चलेगा तो डॉक्टर ने क्या किया डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग की ब्लड टेस्टिंग की ब्लड टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आई एंड उसके आधार पर हमने बताया कि कौन से टाइप का फीवर है वो पर्सन को है तो साइन क्या बताता है साइन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ डिजीज कि भाई पर्सन को ये डिजीज है ये हमें साइन से पता चलता है सिमटम्स आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज एंड सिमटम्स अबाउट दिंगल टाइप ऑफ डिजीजन है साइन कैन डिस्टिंग एंड इट गिवस अस इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ डिजीज ठीक है हिंदी में बोलते हैं सिम्टम्स मतलब लक्षण लक्षण क्या करते हैं लक्षण कई तरीके की डिजीजेस को बताते हैं ठीक है लेकिन साइन क्या करता है साइन सिर्फ एक तरीके की डिजीज़ को बताता है जो उस पर्सन को हुई है राइट सो so, सिम्टम्स के आधार पे हमने क्या कर लिया कि जो भी डिजीज़ है पर्सन को हो रखी है उसके बारे में हमने पता कर लिया अब जब डिजीज का पता चल गया डॉक्टर्स को तो आप क्या करेंगे उसको ट्रीट करेंगे ठीक है तो इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे बट उससे पहले एक चीज़ लिखी है यहाँ पर बिसाइड दीज मतलब ये सिम्टम्स पता करने के अलावा पर्सन इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इम्यून सिस्टम क्या होता है आपका जो पाचन तंत्र होता है उसको बोलते हैं ठीक है सो बिसाइड दीज पर्सन इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का जो पाचन तंत्र होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति का ठीक सो अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है तो उस पर्सन को क्या होगा डिजीज़ बहुत जल्दी हो सकती है ठीक है आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं ठीक है सो उनके केस में क्या होता है इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है तो आपको उसको प्रॉपर स्ट्रांग बना के रखना है हाउ बाई ईटिंग प्रॉपर फूड प्रॉपर बैलेंस डाइट बाई ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स नॉट रिलाइंग ऑन स्ट्रीट फूड्स एट्सेट्रा राइट जैसे कि अभी कोरोना वायरस हुआ था एंड जो बाबा रामदेव है उन्होंने एक दवाई निकाली थी आई डोंट remember द नेम ऑफ दैट मेडिसिन तो आयुष एक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने रिकमेंड किया था कि ठीक है ये जो दवाई है दैट इज ओके यू कैन रिलीज इट मतलब कन्फर्मेशन आ गया था उनका ठीक है सो ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये बोल दिया था कि हमने कोरोना वायरस की दवाई निकाल ली है ठीक है फिर आयुष ने करेक्ट करवाया उनसे कि भाई वो कोरोना वायरस की दवाई नहीं है वो इम्यूनिटी बूस्टर है राइट right, मतलब वो आपका इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा वो कोरोना वायरस को ख़त्म नहीं करेगा ठीक है सो so ये न्यूज़ काफ़ी ज्यादा वायरल हुई थी सो so सोचा ये टॉपिक रेलिवेंट है उससे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि आपको अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको भी मेनटेन करके चलना है अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो जो डिजीज़ है वो बहुत ईजिली पर्सन को हो सकती है सो so अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट सो नाओ अब हमें सिम्टम्स पता चल गए डिजीज के एंड हमने साइन के थ्रू ये पता कर लिया कि कौन सा पर्टिकुलर डिजीज़ है अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पे कि भाई जो डिजीज़ है उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा सो so, इसके दो तरीके होते हैं नंबर वन इज़ टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड नंबर टू इज़ बाई किलिंग द कॉज ऑफ़ डिजीज़ ठीक है तो नंबर वन पढ़ते हैं दैट इज़ टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ इसका मतलब है आपको जो डिजीज़ हुआ है उसके इफेक्ट को कम करते जाना फॉर एक्जाम्पल ये मेनली जो लेस हम बोल सकते हैं डेंजरस डिजीज़ होते हैं जैसे कि फीवर हो गया ठीक है या yeah, आप बोलो बॉडी पेन हो गया राइट right. ये सब इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं मेडिसन लेते हैं ठीक है तो मेडिसन्स ऐसी medicines लेते हैं जो क्या करें इनके इफेक्ट को कम कर दें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग इनको बॉडी पेन होता है एंड जस्ट टेक वो लेना भी ठीक नहीं है बार बार अगर आपको कोई चीज हो रही है बॉडी पेन हो रहा है तो यू मस्ट विजिट टू द डॉक्टर रादर देन टेकिंग द मेडिसन्स राइट सो ये तो हम बोल सकते हैं टेम्पररी इलाज हो गया है कि भाई फीवर हुआ तो चलो हमने ले लिया पैरासिटामोल या आपको बॉडी पेन हो रहा तो आपने उस हिसाब से मेडिसिन ले लिया तो इससे क्या होगा डिजीज का जो इफेक्ट है वो कम होगा सिर्फ टेम्प्ररी तरीका है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने का ठीक है तो परमानेंट क्या हो गया सेकेंड बाय किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज़ मतलब जो माइक्रोब डिजीज़ कॉज कर रहा है आप उसी को मार दो ठीक है तो माइक्रोब ही नहीं रहेगा तो डिजीज़ होगा कैसे राइट सो इसमें हम क्या करते हैं इसमें हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं आपने सुना होगा ये एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स का नाम आया तो थोड़ी मैं इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ एंटीबायोटिक्स की देखो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स बनी थी ठीक है उसका नाम था पेनीसलिन ये क्या है हमारी ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक इज नोन एज पेनीसलिन और इसको बनाने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम है फ्लैमिंग फ्लैमिंग वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये पेनासिलीन नाम की एंटीबायोटिक बनाई थी पेनासिलीन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेड बाय द साइंटिस्ट फ्लैमिंग ठीक है इंपॉर्टेंट है ये उसमें पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में आपके पूछा जाता है एंट्रेंसेज होते हैं नीट वगैरह है या बहुत सारे एंट्रेंसेज होते हैं जिसमें बायोलॉजी पोर्शन पूछा जाएगा तो ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है और सबसे अच्छी चीज़ ये है या सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, कि फ्लैमिंग वॉज नॉट एक्चुअली यू नो ही वॉज नॉट कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू फाइंड पेनेसिलीन मतलब ऐसा नहीं था कि वो पेनासिलीन की ही खोज कर रहे थे वो किसी और चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे एंड सम हाउ बाई मिस्टेक पेनेसिलीन थी वो हम कह सकते डिस्कवर हो गई थी एंड इट वॉज सो यूजफुल एट द टाइम ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था पेनेसिलीन का राइट प्लेमिंग का नहीं पेनासिलीन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा यूज किया गया था इस डिस्कवरी के लिए फ्लैमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला था सबसे बड़ा प्राइज होता है राइट सो पेनेसलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है सो एंटीबायोटिक्स मेजरली क्या करती है ये जो डिजीज है उसके कॉज को खत्म कर देती है मतलब जो माइक्रोब है जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको ये क्या करती है मार देती है सो so, ये कुछ दो तरीके थे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में जिसमें कि हम क्या करते हैं डिजीज को ट्रीट करते हैं पहला तरीका टेम्प्ररी है दूसरा तरीका परमानेंट ऑफकोर्स आप किसी चीज़ को खत्म कर दोगे ठीक है तो उससे होने वाली चीज़ें भी रुक जाएंगी राइट सो आई होप आपको दोनों चीज़ें सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं समझ में आया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video